इमरान हाशमी पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। वैसे वहाँ कई बार नॉमिनेट हुए हैं। हाल ही में इमरान हाशमी ने अवार्ड फंक्शंस को लेकर अपना नजरिया बताया। उनका कहना है कि अवार्ड फंक्शंस में बड़ा गेम चलता है। जो स्टार्स अवार्ड सेरेमनी में शामिल होते हैं और परफॉर्म करते हैं, उन्हें ही अवार्ड दिया जाता है। शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा नहीं है, मैं अवार्ड का अनादर नहीं करता हूँ। जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो जाकर परफॉर्म करे। मैं अवार्ड्स फंक्शन में जाता ही नहीं था, और अगर मैं जाता तो मुझे भी मिल जाता। अगर वो आपको इनवाइट करते हैं और आप नहीं जाते हैं तो वो किसी दूसरे आर्टिस्ट को अवार्ड दे देते हैं। नेशनल अवार्ड्स की बात अलग है। इमरान हाशमी ने आगे कहा, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं एक अवार्ड सेरेमनी में गया था, मुझे सिरदर्द हो गया था और मैंने पेन किलर खाई थी। मुझे सच में इसकी जरूरत पड़ गई थी, मैंने वास्तव में दवा ले ली थी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अवार्ड जीतने के बारे में नहीं सोचा, ये सब मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। एक्टर ने आगे बताया, वो कभी भी अवार्ड जीतना चाहते ही नहीं, और ऑडियंस से उन्हें जो प्यार मिल रहा है उससे वह खुश है। उन्होंने यह भी कहा कि अवार्ड्स को लेनदेन के रूप में देखा जाता है और इसमें शामिल होने का उनका कभी कोई इरादा नहीं था। मालूम हो कि इमरान हाशमी गैंगस्टर, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर और संघाई जैसी फिल्मों के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई अवार्ड नहीं जीता। वर्क फ्रंट की बात करें, इमरान हाशमी बहुत जल्द साउथ फिल्म ओजी में नजर आएंगे। यह उनकी पहली साउथ मूवी है जिसमें वह हीरो नहीं बल्कि खलनायक के किरदार में दिखेंगे। इससे पहले वह सलमान खान की टाइगर 3 में भी विलन का रोल निभा चुके हैं, जिसे खूब पसंद किया गया। ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए वही टॉक को सब्सक्राइब करें।